गुड मॉर्निंग सर, कुछ स्टूडेंट्स जय श्री कृष्ण आप सभी को। स्टूडेंट्स आप सभी का कंपलसरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है आप सभी के सिलेबस में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के सिलेबस में टॉपिक है। और इसमें हम अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑफिशियल लेटर के बारे में। कैसे बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ऑफिशियल लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। और उसमें मैंने अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ वो काहे के बारे में बता रहा हूँ? रिक्वेस्टिंग लेटर्स के बारे में। काहे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इसमें रिक्वेस्टिंग लेटर्स के बारे में बात करें, अर्थात कि ऑफिशियल में जो रिक्वेस्टिंग लेटर होते हैं उनको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। और उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और वो जो क्वेश्चन है वो काय के लिए दिया था मैंने आपको? बुक बैंक से टेक्स्ट बुक इशू करवाने के लिए। ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि आप खुद उसे सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन क्या दिया था? फीस माफ के लिए। तो जनरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक नया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है, देखिए, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल requesting him to arrange some extra classes of English। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, और इसमें प्रिंसिपल से जो रिक्वेस्ट करनी है स्टूडेंट्स वो काय के बारे में करनी है? वो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए करनी है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। मैंने बताया था कि जब भी कोई लेटर राइटिंग आप बनाओगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर से एड्रेस आएगा। तो यहाँ भी सेंडर से एड्रेस, अर्थात आप लिख रहे हो आपका एड्रेस आ जाएगा। आपने लिखा यहाँ पर 25 रामनगर, ठीक है, और आगे लिख दिया बांदीपुर। ओके, ये हो गया आपका सेंडर से एड्रेस। अब सेंडर से एड्रेस के बाद क्या होता है? आपका डेट। जैसे आज की डेट आपने लिखी, आज लिख रहे हो आपने लिखा सितंबर 10, 2020। ओके, अब क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़नी, ये हेडिंग पूरा हो गया आपका, हेडिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे, और अब इनसाइड एड्रेस वाला भाग लिखना है, जिसमें पहले रिसीवर एड्रेस आएगा कि आप किसको पत्र लिख रहे हो। तो किसको लिख रहे हो आप पत्र? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल का पी कैपिटल लेटर में आएगा, द प्रिंसिपल। अब संस्था का नाम लिखना है हमें कि कौन सी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो स्कूल का नाम दिया आपका स्कूल, तो आपके स्कूल का नाम लिख दो। आपने लिखा जो भी स्कूल का नाम लिख दिया, जैसे सैनी एवीएम, सैनी एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुर, ठीक है, कोई भी स्कूल का नाम आप लिख दोगे, यहाँ इस तरह से हो जाएगा। अब क्या लिखना है हमको? इसके बाद सब्जेक्ट मिटा देता हूँ क्वेश्चन में, फिर यहाँ से बनाते हैं हम लोग उसको, ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे सब इसके बाद में? सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख लिया, बताया था मैंने आपको, ए लेटर टू रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट। और टू के बाद हमें क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में दिया है आपकी रिक्वेस्ट क्या है, तो आप किस बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू अरेंज, टू अरेंज। अब सब्जेक्ट के नीचे से ना लिख के यहां से लिखना है, दूसरी लाइन में लिखते हो तो, टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज
ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बन गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, अब आता सेल्फ्रेशन, जिसमें क्या लिखते हैं, तो सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, रिक्वेस्टिंग हिम, अर्थात कोई मेल है प्रिंसिपल जो है, तो आप यहाँ क्या आ जाएगा, सर आएगा, कॉमा लगाओगे इसके बाद। और फिर जो आपको लैंग्वेज बताई थी, क्या बताई थी, कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड एज वेल एज पोलाइट अटेंशन एज वेल एज पोलाइट अटेंशन टू माई हम्बल रिक्वेस्ट टू, और टू के बाद ये कहा था कि टू के बाद जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है उस समय एक्स्ट्रा क्लासेस वाला, उसको आप यहाँ पे लिखोगे, तो टू के बाद क्या आ जाएगा, टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश, ठीक, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा। अब क्या बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे सेकंड पैराग्राफ जो विषय वस्तु वाला होता है, इसमें आपको फर्स्ट लाइन में क्या देना होता है, अगर प्रिंसिपल को पत्र लिखते हो तो आपको बताना होता है कि आप क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो आप क्या लिखोगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए इंग्लिश स्कूल, ठीक है। फिर एक लाइन और भले लिख दें आप, कक्षा की मॉनिटर भी है, तो क्या आ जाएगा, आई एम द मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। ये आपका सेकेंड पैराग्राफ की शुरुआत वाली लाइन हो जाएगी। अब क्या कहना है, इसके बाद आपके जो विषय है कि एक्स्ट्रा क्लास लगवाना है, क्यों लगवाना है, इसके बारे में आपको कहोगे, तो क्या लिखोगे आप, आई वॉन्ट टू से दैट। अब देखिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाने का कारण क्या है, कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सिलेबस क्यों पूरा नहीं हुआ, कि क्या टीचर ने ज्वाइन किया था, या फिर और कोई कारण हो सकता है, तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। तो जैसे आप लिख रहे हो, आई वांट टू से दैट द टीचर ऑफ इंग्लिश जॉइंड आवर क्लास लेट, अंग्रेजी के जो टीचर है उन्होंने हमारी क्लास को इस बार लेट ज्वाइन किया था, ठीक है। सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस जो है वो क्या नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे, अभी मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सो आवर सिलेबस has not been completed yet, and our exams are at hand, और हमारी जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, बिल्कुल at hand पर है, मतलब बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, परीक्षा नजदीक आ गई, तो क्या करें, कैसे पूरा स्टडी करें, तो इसलिए क्या करो कि आप एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करो, एक तो ये तरीका होता है। या दूसरा हम क्या कह सकते थे कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है,
ये सिलेबस एग्जाम से कुछ दिनों पहले, एक या दो दिन पहले पूरा होगा, 4 दिन पहले पूरा होगा, 5-7 हफ्ते, 1 सप्ताह पहले होगा, तो रिविजन नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की बातें भी हम कह सकते थे। ठीक है, तो सिलेबस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एंड आवर एग्जाम्स आर एट हैंड, तो इसलिए आप क्या कहोगे, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज सम, क्या क्या करो, कुछ एक्स्ट्रा क्लास हमारी अरेंज करवा दो, सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आप क्या आएगा इसी में कि मैं आपका आभार लूंगा, तो क्या लिख देंगे, आई शैल बी मच ग्रेटफुल टू यू, कि मैं आपका बहुत अधिक क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। फिर एक लाइन क्या करनी है, आगे वाली लाइन में, अगली लाइन में, नेक्स्ट में थैंकिंग यू या थैंक्स लिखना है। ओके, फिर क्या बताया था आपको कि क्या आता है, इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ोगे, और एक लाइन खाली छोड़ने के बाद क्या आएगा, देखना आएगा, इसके बाद आएगा योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो क्या लिख देंगे हम, ओबीडियंटली, स्मॉल लेटर में आएगा ओबीडियंटली का ओ, कॉमा आ जाएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। इस तरह से ये लेटर आपका बन जाएगा कहीं पर एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए। और ये जो लेटर है वो कौन सा है, ऑफिशियल में रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज वाला लेटर है, कि जब हम किसी विषय के बारे में निवेदन करते हैं तो उसको किस प्रकार से बनाते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से आपका ये हम इसको बना देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यू आर रोहित ऑब्लिक रानी लिविंग इन भरतपुर, लिविंग इन भरतपुर, यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, समवेयर। ठीक है, कि आप कौन है, रोहित या रानी है जो भरतपुर में रहते हो, ठीक, और आपसे क्या कहा है कि आपने आपकी 10th जो मार्कशीट है उसे कहीं खो दिया है, तो आगे क्या कह रहा है, देखो, राइट ए लेटर टू, राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ, टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर। और पत्र लिखना भाई के लिए है, टू रिक्वेस्ट हिम, चलो टू रिक्वेस्ट हर टू इश्यू, to issue you a duplicate copy of the marksheet। ये क्वेश्चन है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है इसे आपको समझना है और फिर इसको आपको जो फॉर्मेट बताया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो एक बार इसको खुद बनाइएगा, इसको एक बार कोशिश कीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एक बार खुद इसको सेल्फ बनाइए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और 11th में भी शायद आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को जो है, ठीक है, तो आप एक बार खुद बनाइएगा ताकि आपको भी हमें बनाना सीखना है कि किस प्रकार से लेटर राइटिंग लिखे जाए। ऑफिशियल लेटर निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा, तो हमें इनको कैसे भी तरह से क्वेश्चन पूछ के इनको बनाना सीखना होगा, तो आपको देखना है कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो आप लोग इसे बनाइएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपको इसे सॉल्व करवाऊंगा और नेक्स्ट और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बाकी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।